नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल आनंद और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए और आपके भरपूर विश्वास के लिए जो आप लोग अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे भेजते हो। आप में से 95% लोगों का ये प्रश्न है कि मैनुअल सिलाई मशीन खरीदूं या इलेक्ट्रिक। देखिए, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है क्योंकि आज से 20-25 साल पहले इंडिया के अंदर प्लास्टिक सिलाई मशीन ना के बराबर थी। हम लोगों ने अपनी माँ को, दादी को, नानी को एक वो काली वाली जो सिलाई मशीन होती थी हैवी ड्यूटी, उसको लेकर के संडे के दिन या छुट्टी के दिन छत के ऊपर या बरामदे में बैठ करके हमारे कपड़े मरम्मत करते हुए ही देखा था हमेशा। तो अब वो एक काली वाली सिलाई मशीन जो हमने हमेशा से देखी, हम उसी को एक महान अवतार समझते रहे हैं, उसी को मजबूत समझते रहे हैं। अचानक से ये जो प्लास्टिक का वैसे भी शुरुआत हुई थी तो हमारे माँ बाप यही कहा करते थे कि प्लास्टिक तो कमजोर होता है, लोहा, पीतल, कांसा ये चीजें मजबूत होती है। लेकिन अब ये जो प्लास्टिक की मशीनें आ ही गई हैं इंडिया में और इतनी पॉपुलर भी हो रही है तो कोई तो कारण होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मैनुअल और इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में फर्क समझ लेते हैं ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। मैनुअल का मतलब जो मैकेनिकल आपकी मशीन है सिलाई मशीन, वो आपकी हाथ से या पांव से चलेगी। सिलाई मशीन जो मैनुअल होती है उसको डोमेस्टिक सिलाई मशीन भी कहते हैं, टेलर सिलाई मशीन भी कहते हैं, हैंड ऑपरेटेड सिलाई मशीन कहते हैं, या थ्रेडर मशीन या फीट ऑपरेटेड सिलाई मशीन कहते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम है। हाफ शटर मशीन भी इसी को कहा जाता है क्योंकि ये आपका लाइट टू मीडियम कपड़े सिलने के लिए बेहतर रहती है। होम यूज सिलाई मशीन होती है, मीडियम लोड ले लेती है। मैनुअल सिलाई मशीन के फायदे ये है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। आप किसी गांव में, कस्बे में या किसी भी ऐसी रिमोट जगह रहते हैं जहां पर लाइट का कोई भरोसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हो भी सकती है, पावर जा भी सकती है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे में आप अपनी हाथ की या पांव से चलने वाली, जिसे हैंड ऑपरेटेड एंड ट्रेडल मशीन कहते हैं, उनमें से मशीन को उठाया और चालू हो गए। आपको ना प्लग लगाने का झंझट, ना बिजली की टेंशन, किसी चीज की आपको फिक्र नहीं। आसानी से ऑपरेट हो जाती है कोई भी बिगनर, क्योंकि आपको अपनी खुद की एनर्जी लगा करके मशीन की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो खतरे के चांसेस कम होते हैं, आपकी उंगली जनरली उसके अंदर नहीं आती। मैनुअल मशीन सस्ती होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में बिजली तो खाएगी ही जो कि रिकरिंग होगा, उसके अलावा आपको मोटर, पैडल, वायर इन सब का भी अलग से खर्चा करना होगा। और या फिर आप एक ही मशीन खरीद रहे हैं बिजली वाली तो आपको उसी में खर्चा, इनबिल्ट मोटर लगी होगी और उसका बिजली का खर्चा, मोटर का खर्चा ऑल इंक्लूसिव होगा। फायदे हैं आपके मैनुअल सिलाई मशीन के, लेकिन इसके थोड़े से नुकसान भी है जो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैनुअल सिलाई मशीन की सबसे बुरी बात यह है कि उसके अंदर आपको हाथ की या पांव की अपनी ताकत लगानी पड़ती है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, और जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को सर्वाइकल की शिकायत हो जाती है क्योंकि पोस्चर सही नहीं बैठ पाता। दूसरी बात है, सिलाई में सुघड़ता नहीं आती क्योंकि आपकी जो सिलाई की रफ्तार है, कभी आप तेज मशीन चलाते हैं और कभी आप धीरे मशीन चलाते हैं, तो जैसे आप मशीन चलाते हैं उसकी गति के हिसाब से मशीन की जो स्टिच है उसमें इवननेस नहीं आ पाती, वो बराबर बराबर नहीं आ पाती और उसकी वजह से आपकी सफाई रेडीमेड वाला लुक नहीं दे सकती। तीसरी परेशानी ये है कि मैनुअल सिलाई मशीन भारी होती है। चलती तो ये सालों साल है, आप अपनी खुद भी इस्तेमाल करोगे, अपनी बेटी को भी दे सकते हो, वो अपनी पोती को भी दे सकते हैं, मतलब आप जनरेशन टू जनरेशन पास तो कर सकते हो, लेकिन आपके खुद के लिए बोझ बन जाता है। और यदि आप कभी कभी सिलाई करने वाले हो तब तो आप उस मशीन को निकालना, उसको स्टार्ट करना, वो भी आपके लिए एक महान काम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन की। देखिए, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने शरीर की मेहनत नहीं लगानी पड़ती, आप कम समय में, कम एनर्जी में, कम मेहनत में
ज्यादा काम कर पाती हो, सुघड़ काम कर पाती हो, सुंदर काम कर पाती हो और काम करना आपके लिए मजेदार हो जाता है। सिलाई करना एक बोझा नहीं बनता, सिलाई करना एक फन बन जाता है, मजा आने लगता है आपको। ये तो आप समझ ही गए कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन को हम इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन कहते हैं। इसका मतलब कि आप अपनी घरेलू मैनुअल सिलाई मशीन को भी मोटर लगवाकर इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन घरेलू मशीन हाफ शटल होती है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होती है, उसकी जो पुर्जे होते हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, ताकत थोड़ी कम होती है जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है उसके मुकाबले। इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन दो तरीके की हो सकती है, एक ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन जो कि बिजली से चलती है और हम लोग अपने आसपास हर जगह देखते हैं, दूसरी है इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन जो कि गारमेंट फैक्ट्रीज में या जो लोग कपड़े का प्रोडक्शन करते हैं, बुटीक्स होते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं 30 साल से ज्यादा समय से सिलाई कर रही हूँ और मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की सिलाई मशीन इस्तेमाल कर ली है। उसके अंदर मैंने शुरुआत में मैंने सिंगर की सिंपल हैंड ऑपरेटेड मैनुअल सिलाई मशीन की यूज की थी, बाद में मैंने अम्ब्रेला सिलाई मशीन पर भी बहुत साल 20 साल से ज्यादा मैं काम कर रही हूँ, 10 साल से ज्यादा मैं अपनी उषा जनों स्टिच मैजिक पर भी काम कर रही हूँ और बाकी भी सिलाई मशीन थी, मेरे पास सर्जर भी था, मैंने बहुत सिलाई मशीनों पर काम किया है। इसलिए मैं अपनी इन डेप्थ जो नॉलेज है, जो जानकारी है मुझे, वो आपके साथ शेयर यहाँ कर सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन के अंदर आपके पास जो इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन है, बिजली से चलने वाली हैवी ड्यूटी फुल शटल की सिलाई मशीन, वो मशीन आपको तब चाहिए जब आप बुटीक चला रहे हैं, आपको बहुत प्रोडक्शन देना है, कपड़े बनाने हैं ढेर सारे और आपको समय पर तैयार कराना चाहते हैं, आपको गारमेंट फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको कोई भी हैवी ड्यूटी मटेरियल, जीन्स, लेदर या कुछ भी ऐसे कपड़े मटेरियल की सिलाई करानी है और बल्क में करानी है रेगुलर बेसिस पे लो मेंटेनेंस में, तो आपको इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन अम्ब्रेला मशीन की जरूरत है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि घर पर सिलाई करते हैं, बहुतों ने लॉकडाउन में सिलाई शुरू की और बहुत लोग पहले से सिलाई कर रहे हैं, कई सालों से सिलाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक नॉर्मल सिंपल मशीन से सिंपल सिलाई करके एक बोरिंग सी ड्रेस बनाओगे, उसके बजाय आप एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन जो कि केवल 3 या 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल करके आ जाएगी, जैसे यदि आप सिंपल काली वाली मैनुअल सिलाई मशीन खरीदते हो तो वो भी आपके 4 से 5 से 6 हजार आएगी, ठीक। और आप यदि ऑटोमेटिक सपोज उषा जनोम लेते हो ड्रीम स्टिच, तो वो भी आपकी तकरीबन 8 हजार 9 हजार की आ जाएगी। तो यानी 3-4 हजार का डिफरेंस पर अगर आपको बेहतर सिलाई मशीन मिलती है, बेहतर इन द सेंस कि आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, अट्रैक्टिव मिलती है, लाइट वेट मिलती है ताकि आप कहीं भी उसको लेकर के आ जा सकते हो, और इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि सिंपल सिलाई के अलावा आपको मजा आने लगता है, सिलाई में एक फन बन जाता है, आप इंजॉय करते हो सिलाई को, आप भी इंजॉय करते हो, इवन आपके बच्चे भी उससे एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या क्या डिजाइन बन सकते हैं। आखिरी में मैं यही कहूंगी कि मैनुअल सिलाई मशीन या इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, उसको चूज करने का आपका एक दो और क्राइटेरिया होने चाहिए। पहली बात रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सिर्फ कभी कभी 2-4 कपड़े सिलाई करने होते हैं, रिपेयर करने होते हैं, आपका ज्यादा काम नहीं है सिलाई का, आपको बस कभी कभार के लिए वो सिलाई मशीन चाहिए, तो आप मैनुअल सिलाई मशीन रख सकते हो इमरजेंसी यूज के लिए। दूसरी चीज, आपका यदि बजट कम है, आप 4,000, 5,000 तक 6,000 तक खर्च करना चाहते हो, उसके ऊपर आप नहीं जाना चाहते, तो ठीक है आप मैनुअल सिलाई मशीन ही खरीदो, आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको डर लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आपने आज तक कभी सिलाई की ही नहीं, तो भी आप एक बार को मैनुअल सिलाई मशीन सोच सकते हो। लेकिन इस केस में मैं ये बोलूंगी कि आप बेसिक लेवल मैनुअल सिलाई मशीन के बजाय एक बेसिक लेवल जैसे कि उषा ड्रीम स्टिच है या फिर सिंगर की 8280 है, अच्छी सिलाई मशीनें हैं,
जबकि 8280 ज्यादा मजबूत है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है 1100 SPM में स्टिचिंग स्पीड में, जबकि ड्रीम स्टिच की 550 है सेम प्राइस रेंज में दोनों मशीनें हैं। तो आप उस तरीके की बेसिक सिलाई मशीन ले सकते हो। अच्छा, अब जो बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, बहुत से लोग ये डरते हैं क्योंकि अब हम लोगों ने तो ये देखा था कि हमारी दादी की मशीन, मम्मी की मशीन अभी तक कितने सालों बाद भी सही सलामत है। लेकिन देखिए, ऐसी सही सलामत मशीन का फायदा क्या है, जो मशीन यूज ही ना हो पाए वो दादी और मम्मी के बाद आपका उसे खोलने का भी मन ना करे। मशीन का तो तभी फायदा ना जब आप उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक, वो मशीनें चलती तो 30-40 साल पुरानी है और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उस तरीके की क्लासिक विंटेज सिलाई मशीन की, बहुत ही मजबूत और बढ़िया मशीन है यदि आप रेगुलर बेसिस पर सिंपल सिलाई के शौकीन हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास यदि एक ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन भी होती है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डिजाइनिंग, ओवरलॉक, बटन होल, पीको, हेमिंग, इस तरीके के काम मशीन से कर सकते हो। एनर्जी बचती है, डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बन सकते हो। मैंने बहुत सारे डिजाइन शेयर भी किए हुए हैं। तो अपने डर को बाहर निकालिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक सिलाई मशीन है ये भी मेरी तो 10 साल हो गए हैं, अभी भी बढ़िया चल रही है। कोई भी चीज देखिए, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति है, चीज है या कुछ भी है, वो उतना ही अच्छा चलता है जितना अच्छे से हम उसका ध्यान रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। आप इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब्स और लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस, यूजफुल जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूं। आप यदि सिलाई मशीन से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड कोई भी और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर स्टिचिंग मॉल की वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर के आप पूरे फुल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं और जानकारी को पता कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं जुड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच।